गुड आफ्टरनून आफ्टरनून, कैसे हालचाल है? बढ़िया है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स का आखिरी लेक्चर। लास्ट टाइम क्या क्या किया था ये जस्ट देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम विस्कोसिटी देखा था। विस्कोसिटी मींस द ईज विथ विच अ फ्लूइड कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एंड ऐसे टाइप को हमने, इस टाइप के फोर्स को, फ्लो को हमने लैमिनार फ्लो नाम दिया था। लेयर बाय लेयर और वेलोसिटियां घटती जाती है और सरफेस के साथ जो अटैच होता है उसकी वेलोसिटी होती है जीरो। एंड ये जब वेलोसिटी घटती जा रही है, इसका मतलब है देर इज सम फोर्स लाइक फ्रिक्शन विच इज पुलिंग द लेयर्स बैक, विच इज नॉट अलाउिंग द लेयर्स टू मूव फास्ट। दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। एंड हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा देखा था। ईटा इज शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट। याद रखिए, शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन नहीं, शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट। सो शियर स्ट्रेस वॉज एफ बाई ए एंड स्ट्रेन रेट वॉज वी बाई एल, दस गिविंग अस अ वेरी लवली फॉर्मूला, ईटा इज एफ एल ओवर ए वी। ओके, वेरी लवली फॉर्मूला दिस। उसके बाद स्टोक्स लॉ ने हमको ये बताया था कि अगर कोई बॉडी इज फॉलिंग इन अ लिक्विड विद अ वेलोसिटी वी एंड इट हैज गॉट रेडियस, स्फेरिकल बॉडी है तो रेडियस है ए, तो उस पे अपोजिंग विस्कस फोर्स लगेगा। दिस विस्कस फोर्स एफ इज 6 पाई ईटा ए वी। ऑलराइट, 6 पाई ईटा ए वी। एंड एज अ रिजल्ट यू नो द टर्मिनल वेलोसिटी वी टी वॉज 2/9 ए स्क्वेयर जी बाई ईटा रो माइनस रो फ्लूइड। हेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी एंड रो एफ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी फॉल्स। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड रो एफ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी फॉल्स। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एंड यहां से हम गुजरे थे और हम टच किए थे इसका लास्ट पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, विच वॉज कॉल्ड सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब है फोर्स, और ये फोर्स किस पे लगता है? सरफेस पे होने वाले मॉलिक्यूल्स पे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया, सपोज आई गॉट अ कंटेनर एंड दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, देन यहां पे मैं इस पे तीन चार मॉलिक्यूल बना देता हूं। ये एक मॉलिक्यूल जो है, इसकी एनर्जी, दिस इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द फ्लूइड, इसकी एनर्जी नेगेटिव मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑन द अदर हैंड ये है मॉलिक्यूल, ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। यू कैन सी 2, 3, 4 एंड 5 आर मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस। इनकी एनर्जी इस नंबर वन से ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट, इन शॉर्ट, दीज हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स विच आर कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। और ये सारी एनर्जी किसमें यूज होती है? खींचने में एक दूसरे को। सो ये इसको खींचेगा, ये इसको, ये इसको खींचेगा, ये इसको। एंड एज अ रिजल्ट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है दे एक्सपीरियंस अ टेंशन लाइक फोर्स। दे टेंड टू बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड नेट, लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। दिस फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑलराइट, और हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया था, एस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बाय एल। ये तो सिंगल सरफेस है, बट अगर कोई सोप फिल्म आप बना रहे हैं तो उसमें दो सरफेसेस होती है। फॉर अ सोप फिल्म देर आर टू सरफेसेस। सो उस केस में तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? एस इज एफ बाय 2L। दिस इज द आइडिया ऑफ अ सोप फिल्म, यूजुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट अगर टू सरफेसेस हो तो
एफ बाय टू एल। हमने एक और डेफिनेशन लिया था सरफेस टेंशन का, यही एनर्जी के जरिए। सरफेस टेंशन एस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एंड इसी के बाद हमने ये देखा था, अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। एंड एक और नोट में हमने लिखा था वर्क डन, वर्क डन का इक्वेशन लिखा था, याद है? वर्क डन टू चेंज द एरिया, इंक्रीज द एरिया ऑफ अ फिल्म बाय डेल्टा ए इज, बहुत बढ़िया इक्वेशन है, आज वापरूंगा इसको मैं, वर्क इज एस इनटू डेल्टा ए। रिमेंबर दिस वर्क हैज टू बी डन यू नो ऑपोजिट टू द सरफेस टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन है, सो वर्क इज एस डेल्टा ए। ये भी आज यूज करने वाला हूं, सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी जॉटेड डाउन दीज फॉर्मुले प्लीज डू सो एंड वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, ओके, इसमें किसी को कोई शक? यस, मैंने बताया नहीं है सोप फिल्म अपने उसमें है ही नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। आई डिड नॉट विश टू गो इन टू डिटेल इन द सोप फिल्म। सपोज आई हैव दिस यू शेप फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम, एंड इसमें एक डंडा है। ये यू शेप की फ्रेम को मैं सोप सॉल्यूशन, यू नो पानी में तुमने सोप मिला है डिटर्जेंट सॉल्यूशन, उसमें मैं डालता हूं, तो यहां पे डोंट यू अग्री आगे और पीछे एक साबुन की फिल्म डेवलप हो जाएगी। डू यू नो दैट? नो नो, नॉट फीण, नॉट फीण, फीण मतलब तो फोम, पर ये आपने भी किया है, आप रोज नहाते हो आई सपोज, ये ऐसा हाथ करो साबुन के साथ और फिर ऐसा करो, डोंट यू सी के आपके दो हाथों के बीच में सोप का एक फिल्म डेवलप होता है? कभी कभी यू नो ये सब आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, आप कभी कभी हाथ पे साबुन मले और हाथ उठाया तो सोप हाथ के साथ ही आया, मतलब सोप हाथ के साथ भी है और तुम्हारे यू नो पाम के साथ भी है, डू यू नो इट? देखा होगा। सो इसको कहते हैं, ये जो दोनों तरफ है आगे भी है पीछे भी है, मतलब बीच में सोप है, ये फिल्म दिखा रहा हूं आपको, यू नो यहां से ये सोप फिल्म, यहां है लिक्विड, यहां बाहर क्या है एयर, और इस तरफ बाहर भी क्या है एयर, सो कितनी कितने इंटरफेसेस हुए, कैन यू सी ये पहला इंटरफेस लिक्विड और एयर, कैन यू सी दिस सरफेस, दिस इज लिक्विड एयर इंटरफेस, उसी तरह ये दूसरा, ये एयर लिक्विड इंटरफेस, मतलब कितनी सरफेसेस की तुम बात कर रहे हो, कितने इंटरफेसेस की बात कर रहे हो, दो। सो अगर ये तेरा लेंथ है तो एल इसका भी और इसका भी, इसीलिए तुमको यहां दो लेना पड़ता है। पीपल डू यू अंडरस्टैंड? ये लोगों को ये दिक्कत होगी, सर ये देख कैसे रहे हो? ये मैंने हाथ लगाया, ये यॉ किया, बीच में सोप है, मेरे दो हाथों के बीच में क्या है सोप, सोप के इस तरफ क्या है सॉलिड, है ना, और इस सोप के इस तरफ क्या है सॉलिड, मतलब ये पहला इंटरफेस लिक्विड सॉलिड इंटरफेस और ये दूसरा इंटरफेस सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, मतलब कितनी सरफेसेस फॉर्म हो गई जिसको देखना है, दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, शैल आई टेक इट ऑफ? आई होप यू हैव रिटन डाउन दिस 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 एंड दिस। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन टू अ वेरी लवली आइडिया, द सेकेंड लास्ट आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, इट इज कॉल्ड ड्रॉप्स एंड बबल्स, ड्रॉप्स एंड बबल्स। वेल, आपने बहुत बार बारिश गिरते हुए देखा है एंड बहुत बार डायग्राम भी बनाया होगा, तो जो ड्रॉप है पानी की बूंद, एक्चुअली तो अगर देखने जाओ तो तुमको ऐसी दिखती है पानी की बूंद, है ना, जब वो गिरती है इस तरह का शेप होता है, बट दिस इज टेकिंग ग्रेविटेशनल यू नो फोर्सेस इनटू इंपैक्ट इनटू इट टू इफेक्ट,
बट अगर आप ग्रेविटेशन को निग्लेक्ट कर दो तो ड्रॉप कैसा होता है पता है? स्फेरिकल. डू यू नो अ ड्रॉप इफ यू निग्लेक्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स और एयर रेजिस्टेंस और समथिंग लाइक दैट, अ ड्रॉप इज कंप्लीटली स्फेरिकल. एंड एज अ रिजल्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, ये ड्रॉप का शेप स्फीयर जैसा क्यों है? क्यूब जैसा, क्यूबॉइड जैसा, पिरामिड जैसा क्यों नहीं है? क्यों गोल, क्यों स्फेरिकल? आई एम श्योर आपने पानी की बूंदें तो देखी होंगी, है ना? सो ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल. और ये ऐसा इसलिए है बिकॉज लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन. ये स्फेरिकल इसलिए है क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, यू नो सारे शेप में सबसे कम एरिया कौन होता, किसका होता है? स्फीयर का. फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है. सो फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, है बराबर? क्योंकि हर चीज की क्या मैंने किसी दिन आपको यह बताया था कि एवरीथिंग विल ट्राई टू अटेन दैट पोजिशन वेयर द एनर्जी इज मिनिमम. रिमेंबर ऐसे पढ़ रहे थे फिर ऐसे हो गए. डू यू रिमेंबर दैट? आई थिंक सॉलिड्स में बात चली थी. एवरीथिंग विल ट्राई टू अटेन दैट पोजिशन दैट सिचुएशन वेयर द एनर्जी इज मिनिमम. सो फॉर मिनिमम एनर्जी एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सबसे कम एरिया होता है. इसीलिए दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई ऑल ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, यू नो निग्लेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि प्रेशर, ये नोट में लगा देता हूं नोट, प्रेशर on a concave surface is greater than pressure on a convex surface. Yaad rahe. This is also a fact. The pressure on a concave surface is greater than the pressure on the convex surface. Acha, if you are looking at this drop here, can you see this is the concave surface? This one? Hai na? तो ये ड्रॉप के अंदर प्रेशर, लेट अस कॉल इट पी आई, एंड ये है मोटा पेट मतलब कॉन्वेक्स सरफेस. ये कॉन्वेक्स है. कैन यू सी द ब्लू कलर्ड सरफेस इज द कॉन्वेक्स सरफेस और यहां प्रेशर आउटसाइड है, वी कॉल इट पो. लुकिंग एट दिस एंड लुकिंग एट दिस, कैन यू टेल मी कहां प्रेशर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, पी आई या पीओ? You are sure? You don't look so sure. PI. PI. Very good. So for a drop or a bubble? Yes. Kya? Kyunki concave surface hai na ye. Ye concave surface hai. Pressure inside drop is greater than pressure outside the drop or the bubble. That is PI greater than PO. हाँ PK क्या कह रही थी? Do you first understand the meaning of a concave surface and a convex surface? अगर तुम यो देखो तो it's like you are entering a cave. ये 10th standard में mirror formula वगैरह में आता था. So this surface इस कॉनकेव, और अगर यहां से देखो ना तो ऐसा मोटा पेट दिखता है. सो दिस इज कॉन्वेक्स. दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोस हु हैव फॉरगॉटन 10th स्टैंडर्ड ऑप्टिक्स. अगर तुम किसी तरफ से देख रहे हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम केव में जा रहे हो, इट्स लाइक अ केव, और केव में घुस रहे हो, तो दैट सरफेस इज कॉनकेव. एंड अगर यहां से देखो तो ये मोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स सरफेस. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके भाई, दस कॉन्केव सरफेस में प्रेशर है पी आई और कॉन्वेक्स सरफेस में प्रेशर है पीओ, तो डू यू अग्री नाउ दैट पी आई इज ग्रेटर देन पीओ? यस.
अग्री करने का एक और कारण देता हूं। डोंट यू थिंक कि अगर पीओ बड़ा होता तो पूरे ड्रॉप को दबा देता? अगर पीओ बड़ा होता तो डोंट यू अग्री वो पूरे ड्रॉप को दबा देता अंदर? क्या ड्रॉप टेक प्लेस कर पाता? क्या ड्रॉप फॉर्म हो पाता? नहीं। पर क्योंकि ड्रॉप फॉर्म हो रहा है और जिंदा है, इसका मतलब है अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तभी ये ड्रॉप शांति से शान से खड़ा है कि मेरा अंदर का प्रेशर ज्यादा है, मैं हैंडल कर सकता हूं। नहीं तो अगर बाहर का प्रेशर होता तो दबा देता उसको, खल्लास ड्रॉप। किसको? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, हो गया, हो गई ज्वाइन। ओके, तूने कॉनकेव कॉन्वेक्स को ज्वाइन कर लिया अपने माइंड में? चलो अच्छी बात। ओके ऑलराइट, मैं ये सब गंदे एरो उड़ा देता हूँ। अरे यार ये डायग्राम ही उड़ा देता हूँ, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, डायग्राम वायग्राम सब उड़ गया। ओके तो ये रहा हमारा ड्रॉप, ये सर बड़ा हो गया। हाँ बेटा, एक्चुअली हमको ड्रॉप को बड़ा ही करना है। क्या करना है? बड़ा, हाँ बड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज योर लाइफ। नहीं, मेक इट लार्ज, डू यू अग्री? ओके, कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? ये सब उड़ा दो? Yes, sir. मेरा काम हो गया इसका, तो अब मैं ये ड्रॉप को बड़ा करना चाहता हूं। By how much distance? Delta R. Consider a drop. Consider. अब यहां से हमारा derivation शुरू होता है. Consider a drop of liquid having radius R, as shown. Okay. Now. What is the pressure difference inside and outside the liquid? Pi minus po या po minus pi? Very good. Inside and outside the drop are pi minus po. और इससे पता चलता है pi greater than po. Very good. अच्छा, हम क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट, वी विश टू यू नो इंक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, बड़ा करना चाहते हैं बाय डेल्टा आर। मतलब सर एक्चुअली क्या करना चाह रहे हो? ये ऐसा ड्रॉप है ना, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं। आहा, कैन यू सी द ब्लू कलर्ड आउटर बाउंड्री? दैट इज नाइस। और ये जो है ना इतना, ये कितना है पता है? डेल्टा आर। ओके, तो अब पहले उसका रेडियस कितना था? आर। अब नए में उसका रेडियस कितना बन जाएगा? वेरी गुड। सो न्यू रेडियस will be R plus delta R. But don't you agree, कुछ भी बड़ा करने के लिए work करना पड़ता है, बराबर। And इसमें ये तो soap से बना हुआ या liquid से बना हुआ drop है, we have to do work against surface tension. The work required to be done is given as work. तुमको पता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला इक्वेशन। एंड फोर्स इज व्हाट? इजंट इट प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया? और प्रेशर डिफरेंस भी हमारे पास ये रहा पाई माइनस पो। सो वर्क, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला इक्वेशन आ रहा है इस टॉपिक का, वर्क इज पाई माइनस पो। हाउ मच वॉज द ओरिजिनल एरिया? स्फीयर है, भूलना नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज नॉट अ सर्कल,
इट इज अ स्फीयर एंड स्फीयर का एरिया कितना 4πr² एंड हाउ मच इज योर डिस्प्लेसमेंट इजंट इट दिस मच डेल्टा आर. सो दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस एंड एरिया. ये डेल्टा आर ऊपर क्यों चढ़ गया. ओके प्रेशर डिफरेंस पाई माइनस पो एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr² एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर. ऑल्सो अब मैं सरफेस टेंशन को इन्वॉल्व करता हूं. द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन आई थिंक आई विल हैव टू टेक दिस ऑफ नाउ. द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वर्क डन और सरफेस टेंशन का एक इक्वेशन दिया था याद है. वर्क इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया एस डेल्टा ए याद है. एंड डेल्टा ए मतलब नया एरिया माइनस पुराना एरिया. ओके भाई आपका नया एरिया 4π into radius² रेडियस कितना है नया रेडियस माइनस व्हाट वाज जूना रेडियस. अब आपको अगर खोलना है तो खोल लो कौन रोक रहा है. एक्चुअली आर स्क्वायर प्लस 2r delta r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर माइनस 4πr² कैन यू सी 4πr² माइनस 4πr² पहले ही शॉर्ट में उड़ जाएगा बराबर. एंड डेल्टा आर की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत कम है. सो हियर डेल्टा आर स्क्वायर इज निग्लेक्टेड. तो फाइनली क्या बचेगा ये कट गया ये कट गया 4π into 2r delta r कितना बचेगा. मुझे लगता है सांप वाप सूंघ गया है आपको. क्या हुआ कोबरा सूंघ गया या एनाकोंडा सूंघ गया. इज दिस अग्रीएबल पीपल. 4πr² माइनस 4πr² तो उड़ गया बचा 4π 2r delta r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर. अब डेल्टा आर स्क्वायर बहुत ही छोटा है कंपेयर टू आर तो हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया ये भी उड़ गया. तो क्या बचा 4π ये रहा 2r delta r वो रहा. खोल दो ना जरा. सो वर्क 4 2s are 8πs r भाई इक्वेशन 1 भी यही है इक्वेशन 2 भी यही है. कैन आई ये दोनों ही वर्क डन के ही फॉर्मूला है. सो कैन आई सेफली इक्वेट 1 and 2. अरे 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 उतावला अरे घनी उतावली मुंह चो रहा है तू. जिंदगी ब्लर हो गई है बेटा. हमारे साहब ने पूछा है डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट काहे किया. तो हमने सोचा रेडियस अगर 2 centimeter हो और डेल्टा आर 0.1 centimeter हो तो डेल्टा आर का स्क्वायर मतलब 0.01 centimeter square हो जाए तो वो बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस. एज अ रिजल्ट उसको सेफली निगलेक्ट कर सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं. दैट इज वाई मैंने डेल्टा आर स्क्वायर वाली टर्म को निगलेक्ट कर दिया. हाँ कोई कुछ और कह रहा था नहीं. वी आर गुड. ओके मैंने दोनों को आमने सामने लगा डाला है. हम दोनों हैं आमने सामने. डेल्टा आर कट गयो पाई पाई कट गयो एक आर कट गयो और ये 4 2s are 8 हो गया. तो मेरा इक्वेशन आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखें पाई माइनस पो 4 2s are 8 तो 2s by r. वाह 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 प्रेशर डिफरेंस या जिसे हम एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं
व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द प्रेशर डिफरेंस इन अ ड्रॉप, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ ड्रॉप और अ कैविटी, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर डिफरेंस, या जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप और अ कैविटी। अभी ये आएगा कोई शाना, सर ये कैविटी कौन है ना? वेरी गुड, बताता हूं। पहले फॉर अ बबल, बबल यू नो बबल, यू नो जो बबल इन एयर होता है ना, उसके दो सरफेसेस होते हैं, दो इंटरफेसेस। सो उसका इक्वेशन, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ पूरा ये? थैंक यू बड़ी। सो फॉर अ बबल इन एयर, यू नो शादी के बाहर वो अंकल नहीं खड़े होते और वो बुक 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 बबल उड़ाते हवा में और सारे बच्चे उनके आसपास ही खड़े रहते और माँ बापों का खिस्सा खाली कराते, वो आधे घंटे में तो वो चीज नवरी हो जाती है, आधे घंटे में तो खेल खलास। भले तुमने इतने चाव से लिया, 20-25 रुपए का आता है, बुक 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 फुला फुला के आधा तो टूट जाएगा, घर पे जाएगा तो पहुंचेगा नहीं उसके पास। सो आपने देखा यहां 2SYR है, यहां 4SYR हो गया। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा यू नो फोकस कर रहा हूं कि सर ये 2SYR कैसे है और ये 4SYR क्यों है, क्या होता है, क्या डिफरेंस है एक ड्रॉप या कैविटी और एक बबल में, ये क्या आपने दो इंटरफेसेस, व्हाट इज इंटरफेस, ये इंटरफेस कहना क्या चाहते हो? ध्यान से, अब एकदम ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरा कांड समझ में आ जाएगा। वन, ये ड्रॉप, सपोज ये बूंद है पानी की, इसके अंदर क्या है, मतलब लिक्विड, और बाहर क्या है, एयर। सो कैन यू सी लिक्विड और एयर, उसके बीच में ये एक ही सरफेस है। कैन यू सी, अंदर पूरा का पूरा लिक्विड है और बाहर पूरा का पूरा एयर है। सो ओनली वन इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस एक ही है, वन लिक्विड एयर इंटरफेस। अब कैविटी, ए डू यू नो व्हाट इज अ कैविटी? नहीं। सपोज कीजिए तुमने कभी आई एम श्योर थम्स अप या सोडा या ऐसा कुछ पिया है, आई एम श्योर पिया होगा। अगर आपने सोडा या थम्स अप या कभी उसकी बाटली पकड़ के देखी है, कैन यू सी एयर बबल्स राइजिंग टू द टॉप, और वही वो एयर अंदर जाता है और हॉक करके डकार मारते हम। आई एम श्योर थम्स अप पीने के बाद, सोडा पीने के बाद सबको एकाध दो तीन डकार तो आई होगी। ओके, सो उसमें जो बबल जाता है ना, बबल वो एयर बबल है इन वॉटर। देखिए जरा एयर बबल, इसको कहते हैं कैविटी। ये अंदर क्या है, एयर, और बाहर पूरा का पूरा क्या है, थम्जप। थम्जप वाटर, थम्जप में वाटर होता है पीके। कैन यू सी दिस इज एन एयर बबल इन लिक्विड, अंदर एयर है बाहर लिक्विड, कितने इंटरफेस बन रहे हैं, कितनी बाउंड्री बन रही है, एक, अंदर एयर बाहर लिक्विड एक ही बाउंड्री, तो एक ही लिक्विड एयर इंटरफेस। एंड अब तैयार रहिए वो तीसरे जालिम डायग्राम के लिए, जालिम डायग्राम बहुत बढ़िया। ये बना रहा हूं तीसरी आइटम, सोप बबल
इन एयर, वही जो शादी के हॉल के बाहर जो अंकल खड़े रहते वो जो फुलाते वही बबल बना रहा हूं, ध्यान से देखें। आज खुलेगा राज बबल का कि ये बबल एक्चुअली है क्या। ये बबल ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन, अंदर है एयर हवा, बीच में है लिक्विड सोप सॉल्यूशन, एंड बाहर भी है एयर। कैन यू सी नाउ? आई एम श्योर यू कैन। दिस इज अ बबल। ये बबल बना है सोप का, लिक्विड का। उस लिक्विड के अंदर है एयर एंड उस लिक्विड के बाहर भी है एयर। कितनी इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, हमने तो दिखाया भी नहीं यार आपको, दो दो नजर आने लगे कि सर डायग्राम ही इतना अच्छा बनाया आपने, बढ़िया है। ये है आपका पहला इंटरफेस, दिख रहा है आपको लाल कलर में, एयर लिक्विड इंटरफेस। और ये है आपका दूसरा इंटरफेस, काला काला, एक काला। यस सर। अब बात की रमत समझ में आई? ये है सरफेस टू और यो है सरफेस वन। इज दिस एब्सोल्यूटली अंडरस्टैंडेबल नाउ? कोई शक इतना सा भी? ये बूंद है पानी की जो हवा में गिर रही है, उसमें पूरा का पूरा पानी है और बाहर पूरा का पूरा एयर है। सो देर इज ओनली वन सरफेस, वन लिक्विड एयर इंटरफेस। ये एयर बबल है वाटर में या सोडा में, तो इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड, अंदर पूरा एयर, तो इसमें भी एक ही एयर लिक्विड इंटरफेस। जबकि बबल, सोप बबल इन एयर, बीच में लिक्विड की फिल्म, अंदर एयर बाहर भी एयर। सो दो इंटरफेस बन जाते हैं, पहला एयर लिक्विड इंटरफेस और दूसरा ये ब्लैक कलर का लिक्विड एयर इंटरफेस। सो नाउ यू कैन सी देर आर टू इंटरफेसेस एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई मुझे यहां पे टू इन्वॉल्व करना पड़ा। जो वो ड्रॉप या कैविटी होती है उसमें सिर्फ एक इंटरफेस होने से पाई माइनस पो वॉज ओनली 2s/r, जबकि बबल में, बबल इन एयर, देर आर टू इंटरफेसेस, देर आर टू सरफेसेस, सो पाई माइनस पो हैज टू बी 4s/r। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? एकदम क्रिस्टल, कोई शक? यस। अरे कोई भी ड्रॉप हो, फॉल हो रहा हो या ना हो रहा हो, या सस्पेंडेड हो एयर में या व्हाटएवर, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ड्रॉप गिर रहा है या नहीं गिर रहा, उससे तेरे इंटरफेसेस में कहाँ फर्क पड़ जाएगा? ये चाहे गिर रहा हो या हवा में सस्पेंडेड हो, इंटरफेसेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरफेस तो एक ही रहेगा ना, लिक्विड और एयर, दैट्स इट, बरोबर। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा ड्रॉप्स एंड बबल्स का फायदा आइडिया। बहुत ही बढ़िया चीज थी ये जो मैंने नोट में किया ना, ये इंटरफेसेस, ये देख के, ये समझ के बहुत मजा आता। अच्छा, इस तरह तुम सरफेस गिन रहे हो, बाकी लोगों को अंदाजा ही नहीं आता कि ये सरफेस गिन कैसे रहे हो आप। तो जैसे ही हमने देखा, अच्छा बबल ऐसा, ये आप लोगों ने भी अब तक सोचा नहीं होगा, बाथरूम में बहुत बबल बनाए होंगे आपने, ए बबल बबल, तो कभी सोचा बबल के अंदर घुस के कि अंदर क्या है, बाहर क्या है और सबसे बाहर क्या है? आज बबल देखा हमने लाइव, बरोबर। तो अगली बार शादी में जाना तो 2 मिनट खड़े रहना वो अंकल के पास, क्या बबल बना रहे ले क्या नहीं करके, है ना? ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। यू नो व्हाट्स अ कैपिलरी? अ थिन ट्यूब।
अ थिन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी. हैव यू एवर सीन सच अ थिन ट्यूब और समथिंग लाइक दैट? ब्लड कैपिलरीज. वेरी गुड. तूने देखी है? नहीं देखी होगी, फोटो देखा है. पर तूने कभी लाइव कैपिलरी देखी है? लाइव? झूठ बोल रहा है तू यार, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं कभी झूठ बोलता हूं तेरे को? और तू है कि मुझसे हमेशा झूठ बोलता है. कह दे हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं. अच्छा मैं तेरे को बोलने पे मजबूर कर दूंगा. तूने अपने घर में कभी दिया जलाया है? दिवाली में जलाया होगा. दिवाली में ये रहा तोड़ा दिया और वो दिए में होती है बात, है ना? और यहां होता है तेल या घी व्हाटएवर, और तुम यहां लगाते हो आग. क्या होगा आग को? आग जलती रहेगी या क्या होगा? क्या तू मेरे साथ पूरे 11th स्टैंडर्ड में था? Yes, तो क्या बात कर रहा है यार? ये तेल ग्रेविटी है, इजंट इट ऑन अर्थ? इजंट दिस दिया ऑन अर्थ? तो तू मुझसे ये कह रहा है कि ये तेल ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा ऊपर? क्या तू मुझसे ये कह रहा है? दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, तेल गोइंग अप इनटू द बाती अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन एंड दिस इज कॉल्ड कैपिलरी. अब बोल, झूठ बोल रहा था ना, देखा है ना ये तूने? और अगर आपने शायद, तुम बोलोगे सर मैंने तो कभी दिया नहीं जलाया, मैंने तो कभी अपने घर में दिया नहीं देखा. ओके तो एक और ऑप्शन देता हूं आपको. आज एक काम करना. क्या करोगे काम आज? एक रुमाल लेना, रुमाल, एंड रुमाल को सपोज एक टम्बलर है पानी का, पानी से भरा हुआ टम्बलर लेना. रुमाल का एक सिरा, एक एंड पानी के टम्बलर में डालना और रुमाल का दूसरा हिस्सा ग्राउंड पे छोड़ देना. बराबर? रुमाल का एक हिस्सा, एक एंड पानी में डिप करना, थोड़ा सा ही, इतना सा ही, और बाकी का हिस्सा, बाकी का रुमाल पूरा बाहर छोड़ देना. आप रात को ये करके सो जाना, कल सुबह देखना वो जो एंड तुमने बाहर छोड़ा था ना वो एंड भी गीला होगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज योर टम्बलर फिल्ड विथ वाटर एंड ये रुमाल है. ये रुमाल का ऐसा फटका बना के आपने ऐसा छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी में डिप किया, बाकी दिस इज योर हैंकी एंड ओनली दिस मच इज इन साइड वॉटर. हा एंड ऑन द नेक्स्ट डे वेन यू टच दिस एंड यू विल फाइंड दैट इट इज वेट. एंड वॉट विल यू कंकर, वॉट विल यू इन्फर, वॉट विल यू कंक्लूड? कि पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ा और यहां तक पहुंचा, क्योंकि ये कपड़ा भी छोटी छोटी कॉटन की ट्यूब्स से बना है विच आर कॉल्ड कैपिलरीज. सो दिस इज ऑल्सो कैपिलरी एक्शन. ये करना आप आज, बराबर? सो दैट इज अ कैपिलरी जेंटलमैन, अ थिन ट्यूब विच इज इमर्स्ड इन एनी लिक्विड एंड डिपेंडिंग ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, या तो लिक्विड उसमें चढ़ेगा या तो लिक्विड उसमें गिरेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ थिन ट्यूब विच वेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड द लिक्विड राइजेस और फॉल्स इन इट. इज कॉल्ड अ कैपिलरी. लेट मी शो एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, कैपिलरी इन वॉटर. अगर तुम किसी कैपिलरी को, किसी पतली ट्यूब को ऐसे पानी में, ये पानी से भरा हुआ है, और इसमें तुम कैपिलरी को डिप करोगे ना,
तो यू विल फाइंड दैट वाटर विल राइज थ्रू द कैपिलरी एंड इट विल हैव अ कॉनकेव मेनिस्कस. दिस इज कॉल्ड अ मेनिस्कस. हैव यू हर्ड द वर्ड मेनिस्कस एवर बिफोर? नेवर. सो दिस इज वाटर इन अ ग्लास ट्यूब. ऑन द अदर हैंड इसी ग्लास ट्यूब को मैं मर्क्यूरी में डिप करूं, कैपिलरी डिप्ड इन मर्क्यूरी, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये मर्क्यूरी है और तुमने ऐसा कैपिलरी डिप किया ना, तो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल गो डाउन एंड इट विल हैव, दिस इज हैविंग अ कॉनकेव मेनिस्कस, दिस विल हैव अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस. सो और सर क्यों ऐसा, क्यों वाटर में वाटर का लेवल राइज करता है और मर्क्यूरी का फॉल करता है? सब कुछ दो ही फैक्टर्स पे आधार रखता है, एक सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, दूसरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. बोला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी तो सरफेस टेंशन पे ही लागू हो रहा है. सो ये सब कुछ सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं सरफेस टेंशन के साथ इस कैपिलरी में लिक्विड कितना राइज करता है या फॉल करता है उसका इक्वेशन लाना चाह रहा हूं. दिस इज माई लास्ट टॉपिक. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम डायग्राम अगेन बट इन अ बेटर मैनर, इन अ रादर मोर लेबल्ड मैनर, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हो क्या रहा है. सो कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए डिप्ड इन अ लिक्विड एज शोन. कहां है सर, कहां है? ये ले, मैं बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा है. इज दिस बिग इनफ फॉर यू? बड़ा है, बराबर है? ओके. सो ये ऐसी थिन कैपिलरी ट्यूब मैंने लिक्विड में डाली है एंड मैं देखता हूं कि इसमें लिक्विड चढ़ा है. वाह, क्या डायग्राम. कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ा है? लेट्स कॉल इट एच. ओके. हाँ, और ये है तुम्हारा कैपिलरी का रेडियस छोटा है एंड ये है मेनिस्कस का रेडियस. यू नो ये मेनिस्कस का रेडियस है विच इज कॉल्ड आर. ओके. नाउ आई नीड टू हैव अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. सर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये देखिए, ये सॉलिड और ये लिक्विड के इंटरफेस के बीच में थीटा अक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? क्यूट है. अच्छा, वेरी गुड. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ओके, लेट मी लुक एट द ट्रायंगल. फॉर द ट्रायंगल, अच्छा पीपल डू यू अंडरस्टैंड ये थीटा कैसे जुड़ गए साथ साथ? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा कैसे होगा? किसी को कोई शक तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, शक नहीं है तो मेरे को ये तो बता दो कॉस थीटा कितना होगा. हियर आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड ए इज रेडियस ऑफ कैपिलरी. From the diagram, cos theta adjacent over hypo. So how much will be R, gentlemen? Cos theta. Cos theta. लगता दाल चावल ज्यादा खा लिए तूने. R ऊपर तो cos theta नीचे नहीं? नो दिक्कत, नो दिक्कत. आर इज ए बाय कॉस थीटा. ओके, नाउ 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 नाउ. अच्छा, मैं ये सब कुछ उड़ाना चाहता हूं. मैं उड़ा दूं इन सबको? ये सब हो गया मेरा आर और ए सेट हो गया, ठीक है ना? क्योंकि ये फुकट में जगह खाएगा और मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो दिखा नहीं पाऊंगा. अच्छा,
अब जो दिखाना चाह रहा हूं, लेट अस से इधर का प्रेशर है पाई और यहां का प्रेशर है पो। कोई मुझसे बताएगा, मैं इस बार पीके को पूछना चाहूंगा। पीके, पीके, बेस्ड ऑन योर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेसेस, क्या आप मुझे ये बता सकती है कि कॉनकेव सरफेस पे, डायग्राम में सब कुछ क्लियर है, कॉनकेव सरफेस का प्रेशर क्या है, पाई या पो? वेरी गुड। सो कॉनकेव ये रहा, कॉनकेव सरफेस का प्रेशर पाई, कॉन्वेक्स सरफेस का प्रेशर पो। अच्छा, प्रेशर यू रिमेंबर ऑन अ कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑन अ कॉन्वेक्स सरफेस, सो कौन बड़ा होगा? माय गॉड, माय गॉड, वी नो, वी सी दैट हियर, पाई ग्रेटर देन पो। एंड कितने इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं महाराज? वेरी गुड, एक ही इंटरफेस, लिक्विड और एयर, ये लिक्विड है, ये एयर है, एक ही इंटरफेस, एज देयर इज ओनली वन इंटरफेस, सो कैन आई से सेफली पाई माइनस पो इज 2s बाय आर? एंड यहां r की जगह a बाई कॉस थीटा अगर लगा दूं मैं, तो किसी को जरा भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना? 2s cos theta by, क्या बात है। अच्छा ओके, अभी किसी ने मुझसे पूछा, सर सब कुछ आया, पास्कल कैसे नहीं आए? पास्कल आ गए बेटा, यन्ना पास्कला, जस्ट माइंड इट। कैन यू सी ये सेम लिक्विड के सेम लेवल पे ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, बराबर? सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, डोंट यू अग्री द प्रेशर एट पॉइंट ए हैज टू बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट बी, बराबर? ओके, नाउ हियर भाई, व्हाट इज प्रेशर एट ए? इजंट ए ओपन टू एयर, है ना? ए इज ओपन टू एयर, तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना? इजंट इट एटमोस्फियरिक प्रेशर? एंड बी, बी के ऊपर इतना यू नो लिक्विड का कॉलम है और टॉप पे प्रेशर कितना है? पो। सो पी बी इज पी ओ प्लस एच रो जी। सो बी के ऊपर एच हाइट का लिक्विड कॉलम एंड इसके टॉप पे प्रेशर है पीओ। सो पी बी इज पी ओ प्लस एच रो जी। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी ओ प्लस एच रो जी। ए बट ये जो पी आई है, इजंट इट ऑल्सो द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फियर, है ना? बाहर तो एयर ही है पूरा। सो हियर पी ए इज सेम एज पी आई, तो मैं ये ऊपर वाला उड़ा रहा हूं, therefore pi is po plus h rho g, और ये po को इस साइड ले लूं, po pi minus po, if you are looking at equations 2 and 3, pi minus po 2s by a cos theta, pi minus po is h rho g, can I safely equate 2 and 3? Yes, sir. दोनों पाई माइनस पो ही है, सो एच रो जी इज 2s बाय ए कॉस थीटा, एंड हाउ मच देयरफॉर विल बी एच? 2s कॉस थीटा बाय ए रो जी। वाओ, देयरफॉर एच इज 2s कॉस थीटा बाय ए रो जी। Lovely equation. Here theta, don't forget, is the angle of contact. Yes, sir.
इफ थीटा इज अक्यूट देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव सो एच इज पॉजिटिव. इसका मतलब लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी. इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस माय गॉड सो एच इज नेगेटिव दैट मीन्स लिक्विड फॉल्स इन द ट्यूब. जो मर्क्यूरी के साथ होते हुए देखा हमने वो इसी वजह से था. मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा ऑब्ट्यूस है एंड एज अ रिजल्ट उसका कॉस थीटा नेगेटिव है तो एच भी नेगेटिव है तो वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेके लिक्विड कैपिलरी में ड्रॉप कर जाता है. यहां पानी है पानी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है तो पानी राइज करेगा इन द कैपिलरी ट्यूब. सो दिस इज वेयर द थिंग एंड्स. कभी कभी यू नो मैं इसके साथ एक फाइनल आइडिया बता देता हूं. सपोज आपके कपड़े पे अचार का दाग पड़ा है. ये मत बोलना सर दाग अच्छे हैं. उसको आपने पानी के नीचे रखा क्या पानी उस दाग को धो पाएगा? नो सर. ओह माय गॉड क्या करना पड़ेगा? सर्फ एक्सेल. वेरी गुड. क्या फर्क पड़ता है? सर्फ एक्सेल भी तो पानी में ही डालना है. यू नो बाय एडिंग डिटर्जेंट टू वॉटर द सर्फेस टेंशन ऑफ वॉटर डिक्रीजेस. एज अ रिजल्ट यू नो जो सर्फ एक्सेल वगैरह के मॉलिक्यूल्स होते ना ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं यू नो हेयर पिन शेप. उसका एक एंड वॉटर के साथ अट्रैक्ट होता है दूसरा एंड डर्ट के साथ अट्रैक्ट होता है. इन शॉर्ट वो ब्रिज बनाता है और पानी को अब डर्ट में घुसने देता है. पहले पानी डर्ट में घुस ही नहीं पाया था वो तेल के डब्बे में घुस ही नहीं पाया क्योंकि उसका सरफेस टेंशन हाई है. सर्फ एक्सेल डाला हिलाया सर्फ एक्सेल की वजह से सरफेस टेंशन कम हुआ एंड ये तभी तो उसका नाम सर्फ है. सर्फ सर्फैक्टेंट है वो. व्हाट इज इट? सर्फैक्टेंट. डू यू नो द फुल फॉर्म द व्हाट इज सर्फैक्टेंट? सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट. सर्फैक्टेंट का मतलब है सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट जो सरफेस टेंशन कम करे तेल के दाग में घुस जाए और दाग को खींच के बाहर निकाल दे वो काम करता है सर्फ एक्सेल. दैट इज उसका नाम सर्फ है. बरोबर. सो सरफेस टेंशन कम होने से दाग को अच्छी तरह धो सकते हो आप और चैप्टर को भी हमने यहां धो डाला. ओके अब कुछ न्यूमेरिकल्स खत्म करके मैं मैटर को क्लोज करूंगा. स्टे विथ मी. आई होप योर कैलकुलेटर्स आर रेडी. मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 17. न्यूमेरिकल 17. व्हाट डज इट से? वेल आई टेक 5-7 मिनट्स टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल्स. अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड. द थिन सोप फिल्म रिमेंबर सोप फिल्म फॉर्म बिटवीन वायर एंड स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 1.5 × 10⁻²⁻² न्यूटन. द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 cm दैट्स 0.3 मीटर. वॉट इज द सर्फेस टेंशन ऑफ द फिल्म ऑफ द सोप फिल्म? भाई सरफेस टेंशन का इक्वेशन सबसे पहला एस इज एफ बाय एल एंड क्योंकि फॉर सोप फिल्म दो साइड होती है दो सर्फेसिस होती है तो एस इज इक्वल टू एफ बाय 12 एंड फोर्स कौन दे रहा है? वेट. तो वेट बाय 12. बच्चों जैसा क्वेश्चन. 2 × 0.3 0.6. सो फाइनल आंसर आई थिंक 2.5 × 10⁻²⁻ न्यूटन पर मीटर. इज समवन चेकिंग? बराबर है. ओके न्यूमेरिकल 19. क्या न्यूमेरिकल 19 के लिए जगह है हमारे पास? नहीं है. मैं अच्छा चलो न्यूमेरिकल 19 मैं इसको उड़ा देता हूं तो न्यूमेरिकल 19 फटाफट हो जाएगा. न्यूमेरिकल 19 आई होप यू आर रीडिंग इट. न्यूमेरिकल 19 ये कहता है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप. बी वेरी केयरफुल. हाँ ड्रॉप है कैविटी है बबल है क्या है? ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी जिसका रेडियस 3 mm है एंड सरफेस टेंशन रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन
इज 4.65 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 न्यूटन पर मीटर. एटमोस्फियरिक प्रेशर पी ए इज 1.01 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. ऑल्सो गिव एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब पाई माइनस पो कितना है वो भी देना है. ब्ला 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 इनसाइड द ड्रॉप. ओके ये अपना ड्रॉप है, ये ड्रॉप है मर्क्यूरी का, ये पाई ये पो. डू यू अग्री दिस इज अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इन एयर. तो प्रेशर आउटसाइड इजंट इट प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर पीए 1.01 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. नाउ फॉर अ ड्रॉप एकदम इजी पीजी जैपनीजी पाई माइनस पो इज 2s बाय आर. ऑलराइट सो एस दिया हुआ है, एस किधर है 4.65 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 ओवर आर 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 3 mm. ओके माइनस 1 प्लस 3 दैट्स 10 रेज टू 2. तो 4.65 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 फाइंड आउट करो तो कितना होता है करीबन 310. फाइंड आउट कीजिए. अरे 4.65 इंटू 2 ये 2 डिवाइड बाई 3 है तो नीचे 0.666 होगा. एंड 4.65 डिवाइड बाई 3 तो इस तरह पूरा वर्कआउट कर दिया मैंने. बराबर सही जा रहा है ना अपना. 2 बाई 3 0.66 0.6 इंटू 4.6 करीबन 3.1 3.2 जैसा होना चाहिए. ओके सो ये आपका एक्सेस प्रेशर मिल गया लेडीज एंड जेंटलमैन. मैंने ढूंढा भी नहीं था और मुझे एक्सेस प्रेशर मिल गया पाई माइनस पो 310 पास्कल. एंड नाउ पाई माइनस पो इज 310. सो पाई इज पो प्लस 310. पो क्या है पीए एंड पीए इज 1.01 इंटू 10 रेज टू 5. ओहो अब इसको 310 के साथ ऐड करूंगा तो 310 को 0.0031 एक दो तीन चार पांच इंटू 10 रेज टू 5. हे राम देखो तो भाई आंसर कितना होता है 1.0131. ओ गॉड. वैसे एक्चुअली अगर आप यू नो इसको राउंड ऑफ करो तो करीबन 1.01 ही आता है. बराबर राउंड ऑफ में वही आंसर आएगा 3 डिजिट्स तक. सो दिस इज न्यूमेरिकल 90. न्यूमेरिकल 20 भी इसी हालत में है कि व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर. ये सब लोग साले एक्सेस प्रेशर ढूंढ रहे हैं इनसाइड क्या इनसाइड. ये यार इतना इतने में होगा यार इतने में नहीं होगा यार ये गंदी बात है गंदी बात. हर एक सम को एक खुद की इज्जत होती है. बराबर तो सबको यस बिल्कुल सर. व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ व्हाट इनसाइड अ बबल 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 बबल. रेडियस है 5 mm. बहुत टाइम बाद बबल आया. Given that surface tension of soap solution is 2.5 into 10 raised to minus 2. है ना 2.5 into 10 raised to minus 2. अच्छा ये पहला question है easily done. If an air bubble of the same dimension were formed at a depth. ये पहला वाला question है. दूसरा वाला bubble is formed at a depth of 40 centi inside a container containing soap solution जिसका relative density 1.20 मतलब 1.2 इंटू 10 रेज टू 3 केजी पर मीटर क्यूब है. व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल. ओके दोनों को अलग अलग रूप में लेते हैं. फॉर ए फॉर अ बबल इन एयर. ये बबल इन एयर है फाइव माइनस फो इज 4s बाय आर. लेडीज एंड जेंटलमैन बबल है बबल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. रेडियस कितना है महाराज 5 mm. ओके माइनस 2 प्लस 3 दैट्स 1 2.5 4s आर 10 10 इंटू 10 इज 100 100 बाय 5 20 यस सर. सो पाई माइनस पो इज 20 और देयरफॉर एक्सेस प्रेशर
इज 20 पास्कल। ये तो आसान था। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं हमसे, बी में बबल फॉर्म हुआ है कंटेनर में, ये रहा कंटेनर तू अड़ा, और यहां कहीं फॉर्म हुआ है कितने डेप्थ पे, सॉरी हाँ तो कैविटी पकड़ ले, क्या दिक्कत है, बराबर टक 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 टक, हाइट 40 सेंटी मतलब 0.4 मीटर, ये सोप सॉल्यूशन है और प्रेशर अंदर कितना है ये फाइंड करना है, ये पो ये पी ए भाई, फॉर अ बबल इन लिक्विड या फॉर अ बबल या कैविटी, बबल इन लिक्विड कैविटी भी कह सकते हो, पाई माइनस पो इजंट इट एयर है। अगर उनको ये कहना होता कि ये कैविटी है या किसी लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, तो वो जैसे हमको यहां बताया है उसी तरह नहीं बताते कि बबल किसका, बबल सोप सॉल्यूशन का है, ऐसा नहीं रखा बबल कैप्टन सोप सॉल्यूशन, इसको डाला हुआ है मतलब कैविटी है सर, कैविटी ही है, तुम चाहो तो इसको कैविटी भी बुला सकते हो यार, बी माय गेस्ट, पर बात मुद्दे की यही है ना, ये एयर है और बाहर ये सोप है, सोप है, यस सर, है ना सिंपल, सो पाई माइनस पो इज टू एस बाय आर, बट यहां पे ये जो पो है, बट पो इस पॉइंट पे प्रेशर इजंट इट पी ए प्लस एच रो जी, एच रो एस जी, बराबर है ये, क्योंकि इसके बबल के बाहर जो प्रेशर है इजंट इट यू नो एट अ डेप्थ एच इन द लिक्विड, सो पाई इज पो प्लस टू एस बाय आर एंड पो की जगह पी ए प्लस एच एस रो जी प्लस टू एस बाय आर, अब ये तीनों को धमाधमी लगाना पड़ेगा, वैल्यूज डालेंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट, सो पाई 1.4 प्लस हाइट, हाइट कितनी है 0.4, रो एस 1.2 इंटू 10 रेस टू 3, जी को क्या लू 10 लू 9.8, उन्होंने बोला नहीं है कुछ, प्लस 2s 2 s कितना है जी 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 बाय आर, आर कितना है 5 m m, ओके बहुत ही शांतिपूर्ण 9.8, अच्छा 1.2 इंटू 0.4 0.48, 0.48 इंटू 9.8 कीजिए 4.7 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस ये 2 इंटू 2.5 दैट्स 5 कट गया, माइनस 2 प्लस 3, ओह माय गॉड ये तो गंभीर परिस्थिति है, सो अगर मुझे सबको ऐड करना है तो 1.01 इंटू 10 रेस टू 5 प्लस 0.047 इंटू 10 रेस टू 5 प्लस 0.0, अरे 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 इसका तो कोई सीन ही नहीं होगा, इसको तो छोड़ दो, सो 1.057, कैन यू सी दिस, इसको तो निगलेक्ट ही कर दो, जरूरत ही नहीं है इसकी, 1.057 मतलब 1.06 करीबन, किसके जैसा, किसके जैसा लग रहा है 1.06, वेरी वेल, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये देख लिया होगा, 28 देखने जा रहा हूं, 28 नंबर 28 एकदम आसान, सिर्फ एक इक्वेशन डालने का है टर्मिनल वेलोसिटी का, 28 इट सेज इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड फॉर एन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 मीटर एंड डेंसिटी 1.2 इंटू 10 रेज टू 3 के जी पर मीटर क्यूब, द विस्कोसिटी ऑफ एयर ईटा इज 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 पास्कल सेकेंड, और कुछ और कुछ और कुछ, हाउ मच इज विस्कस फोर्स, और कुछ निगलेक्ट बॉयंसी ऑफ द ड्रॉप, ओके टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड
वेरी गुड. वी टी 2/9 ए स्क्वायर जी बाई ईटा, इसको ए है, ए है. रो माइनस रो एफ, हियर रो एफ इज रो एयर विच इज वेरी लेस देन रो विच इज 1.2, सो निग्लेक्ट. मैं रो एफ को भी निग्लेक्ट कर रहा हूं. सो वी टी इज 2/9 ए स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो. डू यू थिंक ये सब लगा करके आप VT की वैल्यू ला पाएंगे? हाँ, विस्कस फोर्स मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं. एफ 6 पाई ईटा AV, ईटा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और V यहां से मिल जाएगा. यू थिंक यू कैन पुट दैट? वेरी गुड. 29 नंबर कमिंग अप, मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं, आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं. 29 नंबर कमिंग अप, आई थिंक इट्स द सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल. यह सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल कमिंग अप 29. क्या कहा है? मर्क्यूरी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140. वो हो अंदाजा आ रहा. विथ सोडा लाइम ग्लास अ नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm As made, this glass is dipped in a trough containing mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface? Surface tension of mercury is 0.465 newton per meter. You remember, for a capillary, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा H is 2s cos theta by a rho g. ओके, अब कॉस थीटा हियर कॉस 140. अब सर कैसे फाइंड करें कॉस 140? इजंट इट कॉस 90 प्लस 50? कॉस 90 प्लस 50 एंड कॉस 90 प्लस समथिंग इज माइनस साइन 50. और अपने लॉग टेबल्स को देखोगे तो साइन 50 इज 0.766, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस माइनस साइन. सो एच इज 2 इंटू एस कितना है 0.465 इंटू माइनस 0.766 डिवाइड बाई ए 1 mm. एंड मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना 13.6 इंटू 10^3 जी 9.8. जी को 10 तो नहीं लेना ना, जी को 10 लेना नहीं ना. माइनस 3 प्लस 3 कट गया माइनस. एनीबडी कैन फाइंड द आंसर? 2 इंटू 0.465 इंटू 0.766 डिवाइड बाई 13.6 डिवाइड बाई 9.8. एनीबडी डूइंग इट? जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव थ्री फोर मीटर. So 1, 2, 3, 5.34 minus 3 meter. So H is minus 5.34 mm. H negative है का मतलब है mercury will go down in the capillary tube. And coming up the last numerical of the day of this chapter also, number 3030, based on the same formula that you are looking here. So, based on the same formula that you are looking at, 2s cos theta by a rho g, let us see a g o g, kya hai funda. Okay, number 30. Two narrow bores of diameters, d1 is 3 mm, to r1 kitna hoga? 3 by 2? 1.5 mm. And dusra 6 mm. So, radius, matlab a1, ye a1 hai. और ये A2 है. ओके, आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ यूट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. इफ द यूट्यूब कंटेन्स वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन इट्स लेवल्स इन द टू लिम्स? H1 माइनस H2 फाइंड करना ऑफ द ट्यूब. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.3 इंटू 10^-2. एंड टेक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा टू बी 0. वाओ. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दुनिया जानती है, 10^3. अच्छा, वी नो we have H is 2s cos theta by a rho g. So H1
is 2s cos 0 by a1 rho g, and h2 is 2s cos 0 a2 rho g. Oh, so difference in heights. H1 minus H2. 2s cos 0. अब cos 0 तो 1 है, दुनिया जानती है, तो 2s by rho g common ले लूं. थैंक यू सो मच पीके. धीरे धीरे s की वैल्यू 7.3 into 10 raise to minus 2 rho 10 raise to 3. g को 10 लेना है क्या? नहीं ना. और ये a1 और a2 दोनों mm में है, तो 10 raise to minus 3 को बाहर खींच रहे हैं, तो खींच लो. 1 by 1.5 minus 1 by 3. अच्छा, 3 minus 3 गियो ठाकुर. 2 into 7.3, 14.6 into 10 raise to minus 2 divided by 9.8. And यहाँ 2, 2. 2 by 2 minus 1, 1 by 3. Is that okay? है ना? So 14.6 divided by 9.8 divided by 3. Sorry? So 14.6 divided by 9.8 divided by 3. That's 0.496 into 10 raised to minus 2 meter. Yeah, 4.96 into 10 raised to minus 3 meter. मतलब करीबन करीबन 4.96 मतलब 5 एंड 10 रेज टू माइनस 3 मीटर मतलब mm, लगभग 5 mm जैसा आंसर होना चाहिए. है ऑलराइट. सो इसके साथ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो खत्म होता है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय.